कठुआ ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने यूनियन के मौजूदा प्रधान सरदार रणजीत सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से कठुआ ट्रक ऑपरेटर यूनियन के नए सिरे से चुनाव करवाने की मांग की है। यूनियन के इन सदस्यों ने कठुआ में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि यूनियन के मौजूदा प्रधान सरदार रणजीत सिंह पिछले करीब 8 महीनों से यूनियन के कार्यालय तक नहीं आए हैं, जिसके कारण यूनियन के सदस्य ट्रक ऑपरेटरों का कोई भी काम नहीं हो रहा है। ट्रक मालिकों को उनके किराए की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधान से जब भी यूनियन का हिसाब मांगने की बात करते हैं वे उसे नजरअंदाज करते हैं। इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द मौजूदा प्रधान को बर्खास्त कर नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं। तो ये जो कठुआ ट्रक यूनियन ऑपरेटर्स यूनियन की जब से ही प्रेसिडेंट बने हुए हैं तब से इन्होंने कोई भी ऐसी मीटिंग कॉल नहीं की है जिसमें लोगों की दिक्कतों को समझा जाए, उनकी जो परेशानियां उनको समझा जाए, उनके रिड्रेस किया जाए ग्रीवियंसेस को। तो इसके चलते हमने डीसी ऑफिस से जो एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनसे हमने अप्रोच की, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये डॉक्यूमेंट ये 28th of February को डीसी ऑफिस से रिलीज़ हुआ एक डॉक्यूमेंट है जो नोटिस के तौर पे कठुआ ट्रक ऑपरेटर यूनियन प्रेसिडेंट को सर्व किया गया, सप्लाई किया गया, जिसमें उन्होंने डीसी ऑफिस ने उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए लोगों की मेंबर्स ऑफ कठुआ ट्रक यूनियन की मीटिंग कॉल करने के लिए कही और ये भी कहा कि इसे इंटीमेट किया जाए डीसी ऑफिस में। लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए ऑपरेटर ट्रक ऑपरेटर प्रेसिडेंट ने इसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद एक रिमाइंडर नोटिस निकाला गया डीसी ऑफिस द्वारा जिसमें उन्हें 7 दिन का वक्त दिया गया। ये रिमाइंडर नोटिस निकला 3 मार्च 2018 को, लेकिन इसकी भी उन्होंने अनदेखी की और एक एरोगेंसी का एक अपना लेवल जो है उन्होंने डिस्प्ले किया। उसके बाद से वो जब भी एलिगेशन जब भी ये अप्रोच करते हैं हमें तो ये कहते हैं कि ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये नशा बेचते हैं, इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं, SSP ऑफिस में जाते हैं। तो मैं आपसे तमाम मैं मीडिया द्वारा उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो गुंडे होते हैं जो या जो बदमाश होते हैं क्या वो इस तरह से अप्रोच करते हैं किसी ऑफिस में? ये एक हम प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू एक प्रॉपर अथॉरिटी पे अप्रोच करके हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये मीटिंग हो जिसमें लोगों की दिक्कतों को समझा जाए। लेकिन वो डिक्टेटरशिप और तानाशाही की उस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि वो लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये आलम किस तरह से क्रिएट हुआ, लोग रोड पे और अथॉरिटीज़ को अप्रोच क्यों करने लगे। उसके बाद में जो प्रधान ट्रक ऑपरेटर यूनियन है उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है जिन्हें वो पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस तरह से जो इनका बैंक अकाउंट है उसे मेंटेन नहीं कर रही है। काफ़ी सारे लोगों ने एप्लीकेशंस दी, ट्रक मेंबर्स यूनियन ट्रक मेंबर्स ने इन्हें एप्लीकेशंस डाली जिसमें उनसे ये पूछा गया कि आप अकाउंट बैलेंस की पूरी हमें डिटेल्स दीजिए, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किए हुए हैं लोगों के फंड। तो इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम आज तक यहाँ पहुँचा है और अब ये इस हद तक पहुँच चुके हैं कि बाहर इन्हें थोड़े पॉलिटिशियंस से भी अप्रोच करनी पड़ रही है, लेकिन वो उन्हें भी गुमराह कर रहे हैं, पुलिस को मिसलीड करते हुए ये कह रहे हैं कि ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। हम अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हैं जिन्होंने ये जो इस बिज़नेस में है ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में, तो बड़ी मुश्किल से आज की दिन में हमारा गुजारा चल रहा है, बहुत मुश्किल से दिक्कतों से गुजारा चल रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है कि लोन लिए हुए हैं 25-25 लाख के डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, तो आज हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है, एजिटेशन करनी पड़ रही है, प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, डीसी ऑफिस में जाना पड़ रहा है इनके खिलाफ, लेकिन इनके कानों थले जू तक नहीं रेंग रही। ट्रक यूनियन वेलफेयर सोसाइटी जो हमने बनाई हुई है उसके लिए हम जो चंदा इकट्ठा करते हैं उनको ये कह रहे हैं कि ये गुंडा पर्ची है। हमने कल वृद्धाश्रम गए, अनाथ आश्रम गए, शमशानगढ़ गए, वहाँ पर जो जरूरतमंद चीज़ें हैं वो हमें उनको प्रोवाइड की और आगे भी जो जरूरतमंद चीज़ें उनको देंगे। ये हम सारा लोगों से अपने ट्रक ड्राइवरों से मालकों से जो चंदा इकट्ठा करते हैं वो इनमें बांटते हैं। ये हमको बार बार यही बोलते हैं कि आप ये गुंडे हैं, ये गाली गलौज करते हैं, ये हम गाली गलौज करते होते जब गुंडे होते तो हम ये डीसी के पास जा रहे हैं,
जो डीसी से अप्रोच कर रहे हैं, हम डीसी का बहुत थैंकफुल है, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से डील किया, आश्वासन दिया कि हम आपकी जो भी है इलेक्शन करवाएंगे अच्छे तरीके से कराएंगे, आपकी दिक्कतें जो भी हैं मुश्किलें वो हम उनका समाधान करेंगे। तो हमें जब ये कल भी उन्होंने हमें हमारे ऊपर पॉलिटिकल स्टेट डाल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेट दबाव डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, पुलिस का दबाव डालते हैं। तो आज हमें 2 साल हुआ हमारी इलेक्शन को, इन्होंने हमें पहले बहुत सोच बात दिखाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और मतलब कि इतना बुरी हाल कर दिया कि जो आगे थोड़ा बहुत हमारा काम चलता था आजकल तो महीने में 2 महीने में एक एक चक्कर लग रहा है। हमें ये हर बार ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये गुंडे हैं, गाली गलोच करते हैं। जो हम गुंडे होते या गाली गलोच करते होते तो हम अपने तरह हम काम कर रहे हैं, अपना गाड़ियाँ हमारे पास, हमने 50-50 लाख ये 70-70 लाख रुपया लोन लिया हुआ है, हमारी 70-70 हज़ार रुपया किस्तें हैं, हमारा इसका हमारा इंश्योरेंस है, परमिट के हैं, इतना मुश्किल है। आज हमारे पास इतना हाथ खड़े हो गए हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। हम प्रशासन से यही चाहते हैं, हमारा प्रशासन जो है हमारा सुन रहा है, दिक्कतें सुन रहा है, सब कुछ वो जो है वो हो रहा है। अब हमारा रोजी रोटी का काम है, हम एजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमने नौकरी तो हमारे पास है नहीं है, यही हमारा हमने बिजनेस खोला हुआ है, यही हमें इतना फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। पिछले भी 4 साल पहले की बात है, इन्होंने जो कुलदीप सिंह क्यूंग हुआ उसको भी इसने ऐसा फर्स्ट एड किया, ऐसा तंग करके रखा, उसने ये हादसा हुआ वहाँ पे एक तो कैजुअल्टी होगी, वही जो फर्स्ट एड हमें कर रहे हैं। पर हम इतने पागल नहीं हैं कि हम किसी को गाली देंगे या वो करेंगे, हम अपना शांतिपूर्व से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्व ये काम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं काम से रिजाइन दे। हमारी यही मांग है कि ये अपना रिजाइन दें, फौरन रिजाइन दें और हम द्वारा इलेक्शन करवाएं, जो भी प्रेसिडेंट आएगा तो वो अपना काम करेगा, अपना जो लोगों की मुश्किलें दिखते हैं वो ठीक करेगा। 8 महीने हो गए, 9 महीने यूनियन पर आ ही नहीं रहे हैं। हमारे जो यूनियन का ये होता है कि हमारे जो चेक होते हैं उनके इनके साइन होते हैं, वो आते नहीं है, साइन करते नहीं है, सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जो कोई इनको फ़ोन करता है पहली बार इनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, जब स्विच ऑफ ना हो तो ये बोलते हैं जी मैं कल आऊँगा, कल आऊँगा, कल आऊँगा, कल 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 करते हैं, इनका कल नहीं। हाँ, 7-8 महीने से नहीं आ रहे हैं। तो पहले भी हम 2 साल हो गए हैं, 2 साल में सिर्फ ये 4 या 5 बार आए हैं, 4 या 5 बार आते हैं जहाँ पे लोगों को गुमराह करके फिर चले जाते हैं। हमारे 4-4 महीने 5-5 महीने हुए, हमारे जो इनका अकाउंट है, जो इनका यूनियन का अकाउंट है 558 नंबर, वो बिल्कुल नील पड़ा हुआ है, 458 नंबर बिल्कुल नील पड़ा हुआ है। हमारे चेक जो हैं वो सारे बाउंस हुए हैं, सब कुछ हुआ है, इसे हम चाहते हैं कि इसके मुझे रिजाइन दे और दोबारा इलेक्शन के पास गए थे, जो हम पिछले कई दिनों से जा रहे हैं, और डीसी साहब से मिलने के बाद जो भी हमारा यूनियन का जो मसला है, और डीसी साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से जो पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि विद इन डेज के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छी जल्दी खुशखबरी मिलेगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। इस चीज़ के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, कहते हैं पाग जिनादियाँ नीता होन, कहते जिनकी हिंदी में बताता हूँ, जिनकी नीयत साफ होती है कभी वो लाइफ में धोखा नहीं खाते हैं। पाग जिनादियाँ नीता होन कदे ना जाते ठगे, वो कभी धोखा नहीं खाते, हंस कदे नहीं रोड़े चुगते, हंस कभी रोड़े नहीं खाते वो मोती खाते हैं, हंस कदे नहीं रोड़े चुगते, काग ना दिसन बाजे, जो काग होते हैं वो बाज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, काग ना दिसन बाजे, शाह हुसैन कदे ना हारे, जो हारे रब दे अगे। हम सब जो लोग हैं वो ऊपर वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तभी आज हमें डीसी साहब के ऊपर भी भरोसा है, उनके ऊपर भी भरोसा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इनकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, 80 से 90% जो लोग हैं सचमुच हरास हो रहे हैं। तो हम जो सब जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं थोड़ी सी 1 मिनट के लिए आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो मेरी गाड़ी है, एक 12 चक्कर ट्रक है जो 35 लाख में डलता है, कम से कम 25 लाख रुपये बैंक का लोन होता है। जैसे लोन होता है, मैं पिछले 2 महीने का डाटा बताता हूँ हमारी यूनियन का, 2 महीने के अंदर जो मेरा खुद का ट्रक है उसकी एवरेज आई है, 1 महीना 8 दिन के बाद उसका नंबर आया लोडिंग के लिए, 1 महीना 8 दिन खड़ा रहा, उसके बाद वो जब चक्कर कंप्लीट करके आता है तो 19,000 रुपये मेरे को बचता है। अब 19,000 रुपये बचने के बाद मुझे ये बताओ, 50,000 रुपये उसकी किस्त है, 15,000 रुपये ड्राइवर खर्चा है, साल का जो इंश्योरेंस है वो कैलकुलेट लगा के मैं लॉस में जा रहा हूँ, और आज की डेट में
मैं आपको ये चीज़ गारंटी से बोलता हूँ, आप ट्रक यूनियन का रिकॉर्ड देखें पिछले दो साल से क्या चल रहा है। सब लोग डिफॉल्टर हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगली बार करनी पड़ी तो मैं कम से कम 50 अकाउंट आपके आगे रखूँगा जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। और बैंकों के हमें सोने तक नहीं देते हैं, जो जेके बैंक है कम से कम आज की डेट में एक किस्त भी टूट जाए तो वो जो गारंटर है उसके पैसे रोक लेते हैं। तो इतनी हरासमेंट है, और हम अपनी डेमोक्रेसी कंट्री है, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आज की डेट में इंडस्ट्री जो है 70-80% काम देने का वादा करती है हमें, तो हमें बदले में क्या मिल रहा है, हमें बदले में क्या मिल रहा है, धूर मिट्टी सीमेंट हर चीज़ मिल रही है और हमें काम नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हम गुंडे हैं, हम नशा बेचते हैं, तो अगर ये बड़ी बात है तो हम फिर नशा बेचते हैं। अगर आप इन लोगों के चंद लोगों से कहने से ये चीज़ सच हो गया तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, वेलफेयर एसोसिएशन से बोल रहा हूँ। हमारे हमें प्रधान साहब वो टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं तुम्हारे बेटे को फंसा देंगे, तुम्हारे ऊपर केस डालेंगे, तुम्हारे बेटे की लाइफ ख़त्म कर देंगे। उनके जो लीडर लोग हैं वो हमें फ़ोन करते हैं, हमारी डिटेल बेशक चेक करवाई जाए, हमें बहुत परेशान करते हैं। हम इलेक्शन चाहते हैं, हमारी 55 साल उम्र है, हम रात को सोए होते हैं, रात को 11 बजे हमें फ़ोन करके डिस्टर्ब करते हैं, बोला हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हमारी पुलिस अपनी है, बंद करवा देंगे तुम्हारे बेटे को, तुमको बंद करवा देंगे, तुम्हारे बेटे की लाइफ ख़त्म कर देंगे। हम इलेक्शन चाहते हैं, हम गरीब लोग हैं, मेरे पास भी दो गाड़ियाँ हैं, हमें किस्तें देनी है उनकी। कठुआ से मोहन शर्मा, ऑल इंडिया न्यूज़।